हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर ब्लॉग एट सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन। आज मैं सब्जी मंडी आया हूँ तत्काल टिकट बुक कराने, क्योंकि सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन में न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से बहुत ही कम भीड़ रहते हैं। इसीलिए इस स्टेशन में तत्काल टिकट या तो रिजर्वेशन टिकट कराने में भीड़ कम लगता है, इसीलिए टाइम भी बहुत बच जाते हैं। तो इसी स्टेशन का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन, जो कि दिल्ली मेट्रो का रेड लाइन पर पड़ता है। प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन से 300 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस है। रेलवे स्टेशन के बाहर ही देखिए बहुत सारा ऑटो, ई रिक्शा, कार खड़ा है आपको आपके डेस्टिनेशन में ले जाने के लिए। रेलवे स्टेशन के बाहर ही देखिए टिकट काउंटर है, जहाँ से आपको अनरिजर्व्ड टिकट मिल जाते हैं। स्टेशन के बाहर देखिए ATM भी है, जहाँ से आपको पैसा मिल जाएगा। पे एंड यूज टॉयलेट भी आपके लिए अवेलेबल है। तो देखिए यह है रेल रिजर्वेशन सेंटर। अभी सुबह के 6 बजे हैं, तो मैं आया हूँ, देख रहा हूँ मेरे पहले भी एक दो लोग लाइन में लग चुके हैं। 8 बजे से आप कोई भी रिजर्वेशन टिकट बुक करा सकते हैं, लेकिन 10 बजे तक आपको तत्काल टिकट के लिए वेट करना पड़ेगा। देखिए यह है रेलवे रिजर्वेशन काउंटर। इसमें आपको सबसे पहले फॉर्म लेना पड़ेगा और फॉर्म को भरना पड़ेगा। देखिए बहुत ही कम भीड़ है, इसीलिए इधर लोग पसंद करते हैं कि टाइम बच जाए। तो देखिए मैंने फॉर्म ले लिया, अभी भर के मैं लाइन में खड़ा रहूँगा। स्टेशन के साथ में ही है बजरंग बली जी का मंदिर, आप भगवान का दर्शन कीजिए, आपका यात्रा शुभ होगा। इसके बाद हम रेलवे स्टेशन आपको एक्सप्लोर कराएंगे। सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देश की बहुत ही बड़े बड़े स्टेशन के साथ इस रेलवे स्टेशन का कनेक्शन है, जैसा हावड़ा, हतिया, पानीपत, चंडीगढ़, टाटानगर, बांद्रा। स्टेशन को देख के मेरे को बहुत ही पुराना स्टेशन की याद आ रहा है। इसमें रिनोवेशन करने का बहुत ही ज़रूरत है, मेरे को ऐसा लगा। रेलवे स्टेशन में 5 प्लेटफॉर्म है, लेकिन मेरे को लगा मैक्सिमम 3 ही प्लेटफॉर्म इधर ऑपरेशन में है। तो चलिए बाकी प्लेटफॉर्म को एक बार घूम के देखते हैं कैसा है ये सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन। तो देखिए ये है प्लेटफॉर्म 1 से प्लेटफॉर्म 2 में जाने का रास्ता है। दिल्ली बहुत ही क्राउडेड सिटी है, हर एक स्टेशन पर बहुत ही भीड़ मिलता है, लेकिन इसी स्टेशन में आने के बाद मेरे को लग नहीं रहा था ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है और इतना खाली खाली एक रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो ये देखिए 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म है, जो कि लग रहा था ये ऑपरेशन में नहीं है, बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है। सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन की यात्रा की शुरुआत भी नहीं होता है और कोई ट्रेन का आखिरी स्टॉपेज भी इस स्टेशन नहीं है। ये एक बीच का रेलवे स्टेशन है। लॉन्ग डिस्टेंस का जो पैसेंजर है वो कभी कभी भारत की दूसरे शहर से जब दिल्ली आते हैं तब सब्जी मंडी तक टिकट बुक करते हैं, क्योंकि इससे नज़दीक में है प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन, और जो कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से भीड़ भाड़ से बचने के लिए। इसी टाइप का स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन भी बोला जाता है, क्योंकि ये दूसरा स्टेशन का ट्रैफिक को कम कर देते हैं। तो अगर आप भी अपना टाइम बचाना चाहते हैं और बिना लाइन लग के तत्काल टिकट या रिजर्वेशन टिकट कंफर्म कराना चाहते हैं, तो इसी स्टेशन पर आके बुकिंग कीजिए, आपका टिकट बुक हो जाएगा। हमारा वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और इंटरेस्टिंग लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं कोई नए वीडियो पर।